नमस्कार दोस्तों, HBM इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो मशीन आप अपने सामने देख रहे हैं, हम इसे बोलते हैं 670 राइस मिल मशीन। इस 670 राइस मिल का काम क्या होता है, ये काम कैसे करती है, आप इससे महीने का 50,000 और लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, आज उसी चीज पे हम बात करेंगे और आपको इस मशीन से रूबरू कराएंगे कि ये मशीन काम क्या करती है और इस मशीन को आप अपने घर पर मंगवा करके या नया बिजनेस शुरू करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसको जैसे मैंने नाम बताया या नाम आपको पता भी होगा, कहीं आपने YouTube पे देखा होगा, किसी और चैनल पे सर्च किया होगा, इसका नाम है 670 राइस मिल मशीन। ये जो मशीन है ये धान कुटाई का काम करती है, 1 घंटे में लगभग 6 क्विंटल तक धान कूट देती है और 10 HP के मोटर पे ये मशीन चलती है। मशीन का स्ट्रक्चर और भी है, कहाँ पे क्या लगता है वो मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप देख रहे हैं इस मशीन की सारी जानकारी कि मशीन काम कैसे करती है, क्या कैसे होता है, वो सिस्टम समझते हैं। और मशीन मंगाने के लिए मैं फिर से आपसे एक शुरू में आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं कि अगर आप ये जो मशीन देख रहे हैं इसको आप मंगवाना चाहते हैं घर बैठे, तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, किसी भी नंबर पे आप कॉल करेंगे तो इस मशीन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको सिर्फ इतना बताना है कि सर मुझे 670 राइस मिल मशीन की जानकारी चाहिए, ये मशीन आपके घर तक कैसे पहुंचेगी वो हमारे एग्जीक्यूटिव अधिकारी आपको बताएंगे। तो इस मशीन को आप पूरी बैकग्राउंड देख सकते हैं कि ये मशीन का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे आप ऊपर से सबसे पहले धान डालते हैं, आपका जो भी धान है उसको आप धान को डालेंगे। यहाँ पे आपकी लगी होती है ये पट्टी, इस पट्टी को हम एडजस्ट करते हैं, इससे क्या होता है कि माल जाने के लिए रास्ता खुलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम कितना ज्यादा करना है। अंदर इसके रोलर लगा होता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसका ये सिस्टम होता है। उसके बाद हम इसको, ये आता है हलर में, ये इसका स्टील चैम्बर का हलर है, इसमें और मॉडल भी हलर से आते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ये मशीन का अपना अपना प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये स्टील का होता है, इसका लोहे का भी हलर आता है, उसमें आपको कोई डिफरेंसेस नहीं देखने हैं। अब आता है हलर से निकल के यहाँ पे जाली होता है, यहाँ से आपका रोलर लगा होता है यहाँ पे नीचे इसका, और रोलर से मटेरियल को फ्रेश करता है। इधर आता है यहाँ पे पॉलिशर लगा है, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉलिशर का सेक्शन है, और इस पॉलिशर के सेक्शन से आपका जो भी धान आता है या चावल आता है वो चावल यहाँ से पॉलिश होने का काम करता है। चावल पॉलिश कैसे होता है कि चावल को पॉलिश करके उसको साफ करता है, एक बार में बिल्कुल खाने योग्य चावल बनाता है। वो चावल इधर से आता है, आपको इसको कम ज्यादा जैसे करना है वो कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं जाली में छोटे छोटे छेद दिए हुए हैं, जिससे कि जो किनकी वाला चावल होता है, जो टूटा हुआ चावल होता है, वो यहाँ से इस आउटलेट से बाहर निकल जाता है। ये आपको बहुत बारीक चावल को या बहुत टूटे हुए चावल को किसी भी तरीके से काम नहीं करना या फैन वगैरह से डस्टिंग नहीं करना है। अब यहाँ से जो भी भूसा होता है वो इस हलर से होते हुए, यहाँ से होते हुए, इस पाइप से होते हुए यहाँ आता है। यहाँ पे एक फैन लगा होता है, ठीक है, उस फैन के माध्यम से इधर फेंका जाता है और ये फेंक देता है, तो ये ब्लोअर के माध्यम से यहाँ आता है। ये होता है इस मशीन का, देख सकते हैं, जब यहाँ से निकलेगा यहाँ से इधर जाएगा, इधर फैन होता है, फैन से यहाँ पे निकलेगा और आकर के अपना यहाँ पे भूसा निकलेगा। ये होता है मशीन का स्ट्रक्चर और काम करने का प्रोसेस। मशीन को चलाने के लिए यहाँ पे पॉलिशर दिया होता है, इसमें एडजस्टमेंट नंबर लिखा होता है, बारीक ध्यान से देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जितना टाइट करेंगे उस हिसाब से पॉलिश होगा, वो आपको काम करते वक्त पता चलेगा। अब हम आपको इस मशीन का और स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये होता है इसका एक स्ट्रक्चर जो कि पुल्ली का होता है, ये होता है आपका ठीहा जिसपे आप अपना 10 HP का मोटर लगाते हैं, 7.5 HP का मोटर लगाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने HP का मोटर इसमें लगाना चाहते हैं। अब उधर इधर आते हैं, देखेंगे ये होता है इसका कवर, यहाँ पे जो आप बेल्ट लगाएंगे इसका बेल्ट का कवर होता है, जिससे कि आप काम करते वक्त या किसी भी व्यक्ति का हाथ पैर इसमें ना फंसे, जिससे कि किसी भी प्रकार की नुकसान या हानि किसी भी व्यक्ति को ना हो। तो ये यहाँ पे लगता है, उसके आगे आपका सिस्टम लगता है जो भी मोटर का होता है, यही इस मशीन का काम होता है। अब इस मशीन से प्रोडक्शन की बात जैसे मैंने आपको बताया ही, अब जिस प्रोडक्शन की मैंने बात बताई कि 6 क्विंटल प्रोडक्शन धान का होता है, अब इस प्रोडक्शन से आपको और भी जानकारी हम देते हैं कि जैसे जो नंबर मैंने बताया, पहला प्रोसेस आपको करना है इस मशीन को खरीदने के लिए कि जो ऊपर नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल करिए, हमारे एग्जीक्यूटिव अधिकारी से और भी जानकारी लीजिए। मशीन के बारे में मैं जो बता रहा हूँ ये तो ठीक ही है, और जानकारी लीजिए कि ये मशीन घर कैसे पहुंचेगी। बेझिझक आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को मशीन मंगाने के लिए बिना ये डर मत रहिएगा कि मैं कॉल कैसे करूं, बात कैसे करूं, आपको सामान मंगाना है आप बिल्कुल बिंदास कॉल करिए, सारी जानकारी लीजिए। ऑर्डर करने के लिए आपको 5,000 रुपये एडवांस अपना
एड्रेस देना होगा, हम मशीन आपके यहाँ भेज देंगे, मशीन आपके यहाँ पहुंचेगा, पूरा पेमेंट करके मशीन आप रिसीव करेंगे। विदाउट बुकिंग मशीन आपके यहाँ तक नहीं जा सकती है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। आप कॉल करके सारी जानकारी लीजिए, ऑर्डर करके मशीन मंगाइए। फुल पेमेंट करके भी मंगा सकते हैं, ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं, लेकिन बिना बुकिंग के मशीन नहीं भेजी जा सकती, ये कंपनी का एक रूल है। अगर आप कंपनी में विजिट करना चाहते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। आइए, हमारी कंपनी, ऑफिस और सारी मशीनरीज आप देखिए और इस मशीन को ऑर्डर करके अपने घर ले जाइए। और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम डोर टू डोर डिलीवरी आपके घर तक मशीन की करते हैं। तो कृपया इस मशीन को खरीदने के लिए, नया बिजनेस करने के लिए, 2024 में नया रोजगार पाने के लिए आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। इस टाइम पे ये मशीन सस्ती हुई है, सीजन के मुकाबले मशीन का रेट बहुत ज्यादा कम हुआ है। अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो बिना देरी किए हुए ऑर्डर कर सकते हैं, इस मशीन को अपने घर पे मंगा सकते हैं और सीजन में भी आप इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि HBM इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ऐसे और नए वीडियोज को देखने के लिए और बिजनेस जानकारी को सीखने के लिए। तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।